नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ या हरंदा बोलबो, बार बार बोलबो तो सुने लागिए ना, तो सुन लो। पिक्चर के नाम है ले चलूँ अपन द्वारी, है ना। तो का डायरेक्टर साहब मिल गए हमला, तो सर से परिचय करा था नहीं दे। ये सर जी हरे और ये मैं हर हूँ ना। बोला जाना था अपन इंडियन बबलू भैया यूट्यूब चैनल के नाम से। तो सर बताओ सर अपन बारे में कि पिक्चर जो बने हैं वो कैसे टाइप के बने हैं, जिला आप मन डायरेक्ट करे हो, मैंने डायरेक्शन दे हो। डायरेक्शन के मतलब होते दिशा निर्देश बताने वाला, है ना। मोर हिसाब से भाई अब कहा होते तो आप मन बताओ, बताइए सर अपना शुभ नाम बताइए और बताइए। मोर नाम मृत्युंजय हरे। अच्छा, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ से। और डायरेक्शन मतलब होता है कि कहानी को कैसे आपको लोगों तक दिखाना है, ये डायरेक्शन होता है। इसे लोग हम डायरेक्शन का नाम देते हैं कि मैं एक्टर से, एक्ट्रेस से, हीरो से, हीरोइन से क्या चाहता हूँ, कैसे वो निकाल के लाते हैं। राइटर ने जो सोचा है, जैसा छवि बनाया है उस कैरेक्टर का, उस एक्टर का, उस कहानी का, वो कैमरे पर उतारने की जिम्मेदारी मेरी होती है और यही डायरेक्शन होता है। रही बात इस फिल्म की, तो इस फिल्म को देखे हैं आप लोग जान चुके हैं, जितने लोगों ने देखा है, जो नहीं देखा है वो जाकर के देखें, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं चाहूँगा सब लोग जाके देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट भी होगा आप लोगों से, और उसके बाद आप लोग खुद समझ में आ जाएगी कि फिल्म कैसी। तो सर ये अगर मेरे को टाइम जो मिला है PVR में, तो वहाँ भी क्या पिक्चर लगा है? हाँ, PVR में पिक्चर लगी है। अच्छा, 31 थिएटर में फिल्म लगी है, तो हम लोग वहाँ देख सकते हैं PVR में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है सर को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय, कीमती समय देने के लिए, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है प्रमोशन का टाइम, जिस दिन पिक्चर रिलीज होता है भैया सर लोग बिजी रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले यूट्यूबर्स लोग आए हैं। वो गले सब तो नहीं, नहीं सर, नहीं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, आप मन आप जैसे एक्टर अभी भावहीन हो, नहीं जैसे जैसे एक्टर नहीं, मैं एक्टर बातचीत नहीं हूँ आज। देखो देखो कब का बड़े बात बोलते सर। हाँ, ये एक सबसे बड़े क्वालिटी होते एक आर्टिस्ट के कि आप ये तारीफ भी करें। सर से हमारे सीखे हैं ना, आज बहुत अच्छा लगे इसके सर आती अपन सब। मैं सही कहा और मैं जनता से एक चीज निवेदन करना चाहता हूँ, चलना चाहिए ये फिल्म, यदि नहीं चला थे जनता नहीं देखा थे तो मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के ढलान आ गए। नहीं, एक चीज़ मैं बोलना चाहता सर, जो हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की जो बात अपन बोले हो, ये हमारे ऐतिहासिक पल है। अगर हमारे वास्तव में अगर छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया कलाकार, तो ऐसे पिक्चर आशीर्वाद दे के बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। सब जन ने देखो, सब जन देखो, काबर की पिक्चर ला देख के आपला मया तो सीखे पर मिली। कहानी बहुत पुराना पैटर्न के, लेकिन डायरेक्टर कमाल के सजो है। डायरेक्शन एक नवा डायरेक्टर आए है और अतका बढ़िया काम करवाए, जिला देख के मतलब मोला लगी से मन तो भरा आए है, दिमाग में अब कुछ बाचे नहीं है। दो चार घाव पिक्चर ला और देखूं तब जाके समझ में आई कि ये डायरेक्टर कैसे है, एक्टर मन से का सीख सकता हूँ ओला में। नहीं तो आप एक एक्टर हो सर, एक्टर हो नाते आप मन ये जो न्यू फेस है मतलब का आशीर्वाद देना चाहूँ। एमन ला आशीर्वाद नहीं, एमन आशीर्वाद दे कि मैं फिर से आपके बड़प्पा नहीं सर, आपके बड़प्पा काबर की सियान हा जो रद्दा दिखाते वही मन रद्दा हम चलता। देखो ये फिल्म में भी दिखाए गए हैं कि सियान मन जड़ बुद्धि भी होते हैं। इस फिल्म में दिखाए गए लड़का अतका लंबा डायलॉग ला का कमाल के परफॉर्म करे है, मैं ओला देख के लगी से कि हमन जड़ बुद्धि हो गए रहे ना। अब हमन ला फिर से ये युवक मन से नवा नवा जैन हमारे भाई मन और बहनी मन और लड़का मन आवत है, उमन से सीखे भर के जरूरत है। जत का एक्टर है उमन से अपील करत हूँ कि ये पिक्चर ला देखे और सीखे। नहीं आप सियान वाला बात बोले तो ही मैं एक चीज़ बोला था, बाप कतको बड़े बाप है, बेटा कतको बड़े बेटा है, लेकिन बाप हमेशा बाप ही रहते हैं, बेटा हमेशा बेटा ही। ये मान्यता है, लेकिन ये फिल्म तोड़ा थे थोड़ी ऐसे का मतलब ये है कि सुपर सुपर डुपर तो नहीं बोला, लेकिन पिक्चर सुपर डुपर नहीं हो महाराज, पिक्चर अच्छा बनना चाहिए और अच्छा बने हैं। जिन लिखा है ना नवा, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म के नवा नवा दौर, नवा दौर, नवा दौर, ये वाकई में ट्रेंड आया। मतलब ये लग कह जा सकता हूं कि हमारे हॉलीवुड जो इंडस्ट्री है एक मिलके पत्थर साबित हुई। बिल्कुल हुई, काबर के मोर छिया भुइया हमारे मिलके पत्थर साबित हुई हमारी इंडस्ट्री के। अगर दूसरा दौर है नया दौर, सतीश भैया हमारे मतलब भीष्म पितामह है, मोर बाप है, भाई है, दोस्त है, सब है। सतीश भैया के अपन काम है जिन छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला बाल बार बार सजो के रखे, मनोज वर्मा बार बार सजोते, उत्तम तिवारी सजोते, प्रणव झा सजोते, सबो झन। इवन मैं भी दो फिल्म डायरेक्ट करे हूँ, तो आज मोला फिर लगी से कि एक्टिंग भी सीखे भर पड़ी और डायरेक्शन तो सीखे उच पर पड़ी। ये सबसे बड़े आशीर्वाद है। अगर एक हमारे जो ना एक तो पितामह जी बात करी से, लेकिन आपो मन पितामह से कम नहीं है, जो नक्का बड़े आशीर्वाद देवत है कि नहीं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू लगी सी सर के, बड़ा फन है कि अपन आप एकदम झुका के बताते, हमेशा जाए रहा जो फल में मतलब जो कलर में फल होते झुके रहते थे, उन्हीं आदमी हमेशा झुके रहते भैया, है ना, आंकड़े कर रहे थे लेकिन कोई टैलेंट नहीं रहा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।